इंडो तिब्बतान बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी की ओर से एक नई नोटिस जारी किया गया है। इसमें आपको हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की पोस्ट एक्टिवेट की गई है। टोटल 81 के पदों पर यह भर्ती जारी किया गया है। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 34 पोस्ट मिलेगा, ओबीसी के लिए 22 पोस्ट मिलेगा, एससी में 12 और एसटी में 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट इसमें मिल जाएगा, जिसमें सैलरी जो लागू किया गया है लेवल 3 और 25,500 से 81,100 रुपीस प्रत्येक महीने की सैलरी है। CPC 7 इसमें पर मंथ की लागू की गई है। हेड कांस्टेबल की भर्ती जारी की गई जो कि ग्रुप सी की ये भर्ती है, नॉन गैजेट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल की। इस आवेदन फॉर्म को आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और इसमें आपको कौन से क्वालिफिकेशन देनी है, आवेदन अप्लाई करते समय आपको कितना अमाउंट फी पेमेंट करना पड़ेगा, सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। कब से आप इस भर्ती को अप्लाई करेंगे ये भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है, इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। सो चलिए अब जानते हैं इस भर्ती के बारे में। भर्ती जो जारी किया गया है आईटीबीपी की ओर से जारी किया गया, हेड कांस्टेबल की भर्ती पोस्ट एक्टिवेट की गई है। इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके साथ आपके पास ANM मिडवाइफरी की कोर्स होनी चाहिए। 10वीं की जो क्वालिफिकेशन है बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के द्वारा होनी चाहिए। ANM की जो क्वालिफिकेशन है नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। इसमें 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज में छूट मिलेगा SC ST और OBC PWD PH कैंडिडेट के लिए। आवेदन फॉर्म जो अप्लाई होगा 9 जून 2023 से आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी लास्ट डेट 8 जुलाई 2023 रहेगा। पे स्केल मैंने सैलरी के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, 25,500 से 81,100 रुपीस प्रत्येक महीने की सैलरी है। इसमें किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री आप इस भर्ती को आवेदन कर सकते हैं। यदि आप नोटिफिकेशन में भी विजिट करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो दिखाया जाएगा, फी इज एक्सटेंडेड यानी कि फी किसी के लिए भी नहीं है, फी में छूट मिल जाएंगी। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितना पोस्ट है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टोटल 81 के पदों पर यह आईटीबीपी की भर्ती जारी की गई है हेड कांस्टेबल की। इसमें कैसे आप लोग आवेदन करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस भर्ती को ऑनलाइन के मेथड से अप्लाई करना पड़ेगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन करना है। फॉर्म 9 जून 2023 से आवेदन होगा। सो फिलहाल अभी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी जॉब करने के लिए भेजा जा सकता है। इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका PET PST टेस्ट होगा, इसके बाद आपके रिटन एग्जाम लिए जाएंगे, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, इसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे, देन इसके बाद आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, इसके बाद आपका इसमें होगा सिलेक्शन। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहेंगे, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। आवेदन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे, फिलहाल अभी लिंक एक्टिवेट नहीं की गई है। नोटिफिकेशन में अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 10वीं की क्वालिफिकेशन चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, इसके साथ आपके पास ANM की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नर्सिंग काउंसलिंग सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, आपकी जो एज है 18 से 25 वर्ष जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आवेदन फॉर्म को आप सभी कैंडिडेट ऑनलाइन के मेथड से अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की ये लिंक है, आप गूगल में ये लिंक सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहां से आप आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिलहाल गई सभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, जैसे ही आवेदन होना स्टार्ट होता है हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस भर्ती को कंप्लीट अप्लाई करेंगे। आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो हमने आपको बता दिया है, 9 जून 2023 से आवेदन होगा, इसकी लास्ट डेट 8 जुलाई 2023 रहेगी। सो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सवाल होता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड गाइस हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।